नमस्कार, आप देख रहे हैं वैश्य व्यापार न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानसी अरोड़ा। चलिए शुरुआत करते हैं वैश्य समाज की कुछ खबरों के साथ। मधुबनी कोटौना से हमारे संवाददाता रमेश कुमार सिंह ने बताया कि स्वास्थ्य कर्मी संघ की हड़ताल से मरीज परेशान हो गए हैं। प्रखंड के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कोटौना में बिहार राज्य स्वास्थ्य संविदा कर्मी संघ के आह्वान पर सभी संविदा कर्मी, आयुष चिकित्सक, आरबीएस के डॉक्टर, एलटी और एनएचएम अपनी 6 सूची मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं। कलेक्टर श्री पीएल सोलंकी ने प्रतिभा पर्व के तहत प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय रायपुरा एवं मॉडल स्कूल श्योपुर में आयोजित परीक्षा का जायजा लिया और ओएमआर सीट का अवलोकन भी किया। वहीं इस अवसर पर जिला शिक्षा अधिकारी भी मौजूद रहे। ग्रामवासियों की मांग पर सेवडा विधानसभा के गांव सिलोरी, रउवार और डिलोरीपुर में क्षेत्रीय विधायक प्रदीप अग्रवाल के प्रयासों से हायर सेकेंडरी स्कूल बनने जा रहा है। बता दें कि ये भवन 1 करोड़ की लागत से निर्मित होगा। इस अवसर पर गब्बर सिंह रावत, घनश्याम, रमेश धर्मेंद्र, रामबरन और पार्टी के कार्यकर्ता मंडल अध्यक्ष इंद्रकंड, अनूप दात्रे, डीएस यादव, राकेश खटीक, देवेंद्र सिंह गुर्जर, रामगोपाल सिंह चौहान, राकेश मुदगल, अमजद खान, उत्तम सिंह कमरिया, गिरवर सिंह कमरिया, हरनारायण सेन ने हर्ष व्यक्त किया। बहादुरगढ़ से हमारे संवाददाता सुनील ने बताया कि बहादुरगढ़ में दिन दहाड़े एक युवक को करीब 9 बजे गोली मार दी गई। बता दें कि यह घटना बहादुरगढ़ के बस स्टैंड की है। वहीं मृतक टिकरी बॉर्डर के नांगलोई के बीच चलने वाली आरटीवी का कंडक्टर था। ठंड के मौसम में चलती हुई स्कॉर्पियो गाड़ी में आग लग जाने का ये नजारा दमोह जिला मुख्यालय से 50 किलोमीटर दूर मड़ियादो छतरपुर मार्ग का है, जहाँ ठंड में भी स्कॉर्पियो कार में एक ऐसी आग पकड़ी गई कि देखते देखते कार जलकर राख हो गई। सफेद कलर की गाड़ी में कुछ ही देर में जलकर काले पड़ जाने से इसकी पहचान मुश्किल हो गई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। पूरे विश्व में चलने वाली बिटकॉइन का मूल्य पहली बार $12,000 के पार चला गया। इससे पहले 29 नवंबर को ये $10,000 का हो गया था। इससे इस स्तर पर पहुँचने के साथ ही RBI ने भारत में निवेशकों को आगाह कर दिया। रिजर्व बैंक की ब्याज दरों को लेकर जारी बैठक के पहले भारतीय शेयर बाजार में गिरावट नजर आई है। प्रमुख सूचकांक 60 अंक की गिरावट के साथ 32,441 के स्तर पर और निफ्टी 28 अंक की कमजोरी के साथ कारोबार कर रहा है। केंद्र सरकार एक ऐसा बिल लेकर आ रही है जो यदि पास हो गया तो आपके बैंक में जमा धन, आपका हक खत्म होने का खतरा पैदा कर सकता है। जी हाँ, यदि बैंक दिवालिया हो गया तो उस बैंक में जमा राशि को आप नहीं निकाल सकते। सरकार गुड्स एंड सर्विस टैक्स फाइलेंसिंग में हासिल डेटा के जरिए उन लोगों को ट्रैक कर सकती है जो इनकम टैक्स देने से बच रहे हैं। सरकार इस दिशा में कदम बढ़ा रही है। वाहन निर्माता कंपनी महिंद्रा ने घरेलू मार्केट में XUV 500 का पेट्रोल वेरिएंट लॉन्च कर दिया है। इसकी कीमत 15.49 लाख रुपए रखी गई है। गाड़ी में 2.2 लीटर का पेट्रोल इंजन भी दिया गया है। गाड़ी की स्पीड 6 ऑटो गियर बॉक्स से लेस है। मेरे साथ फिलहाल खबरों में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों को जानने के लिए देखते रहिए वैश्य व्यापार न्यूज। नमस्कार।